नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। कुछ संस्थाओं द्वारा बच्चियों का रेस्क्यू किया गया, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने बच्चियों को बचाया कैसे और आगे की लड़ाई कैसे चल रही है। मैं तारामणि साहू हूँ और मेरा नाम, जैसे कि मैं नेशनल फेडरेशन इंडियन वुमेन से जुड़ी हुई हूँ और हम लोग महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके वुमेन राइट्स पे कई सारे काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। लेकिन अचानक से अभी 13 तारीख को जैसे ही मैं रांची आई हुई थी एक मीटिंग के लिए, तो वहाँ पर मैं मुझसे हमारे लातेहार के कुछ मजदूर परिवार आकर मिले और उन्होंने बताया कि वो अपनी बच्चियों को ढूंढ रहे हैं। आपके सामने अभी दो माएँ हैं, वो माएँ मुझसे मिली और उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची कहीं ना कहीं रांची में है लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कहाँ पे है, उन्हें नहीं पता। तो फिर हमने कहा कि कोई हिंट्स दे दीजिए मुझे ताकि हम उन्हें ढूंढ पाए। तो फिर उन्होंने बताया कि रांची में ऐसे शायद बूटी मोड़ है, गेतलातू करके देवी दर्शन मंदिर है और वहाँ शांति आश्रम है, वहीं मेरी बच्चियाँ रह रही हैं और वहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है। मैंने बोला अच्छा, अच्छी बात है, हम ये कर लेते हैं। तो फिर वहाँ पे जब ये बातें आई और ये जैसे ही मतलब ये जब बातें आई तो वो लोग जो है मेरे साथ चल बैठे कि यस मैम प्लीज़ आप चलिए, मुझे मदद कीजिए। तो मैं और अर्पणा जो पहले से वुमेन राइट ट्रैफिकिंग पे काम कर रही उनको मैंने ले लिया, अफजल जी को ले लिया, हमारे साथ मिथिलेश जी भी थे जो चाइल्ड लाइन पे है, वो है डाल्टनगंज से। तो हम लोग काफ़ी दो चार और साथी सब मिल के फिर वहाँ पे गए थे। लेकिन स्टार्टिंग में जब मैं और अर्पणा ही गए थे, अर्पणा जी से आप बात करेंगे, तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हमने पूछा तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने तो पहले मना कर दिया कि नहीं ऐसे नाम की कोई बच्चियाँ नहीं है लातेहार में, नहीं लातेहार की बच्चियाँ नहीं है। तो फिर वो अंदर गए तो इन्होंने बोला कि नहीं आप एक बार पूछ तो लीजिए लातेहार की बच्ची हैं या नहीं। तो फिर वहाँ से फिर एक वार्डन आती है, कहती है हाँ लातेहार की बच्चियाँ हैं। तो हमने बोला प्लीज़ उनको भेज दीजिए हमारे पास, हमने वेट किया, बच्चियाँ आ भी गई। तो ये जैसे ही आई तो फिर हम लोगों ने बस इतना पूछा, बेटा आपने अपने माँ बाप को बिना बोले कैसे आप आ गए, आपके माँ बाप आपको ढूंढ रहे हैं, ढूंढते हुए आज यहाँ पे आए। तो माँ और बेटियों के बीच एकदम रोना धोना शुरू हो गया, माएँ यहाँ पे रो रही है उनको देख के, और बहुत अजीब सा सिचुएशन था। तो फिर बेटियाँ बोली कि कुछ, वो जवाब ही नहीं दे पा रही थी। तभी मैंने एक ही बात पूछा कि बेटा आप अपना आधार कार्ड लेके आओ, मुझे देखना है। तो आधार कार्ड जैसे ही लेके आई, दोनों बच्चियों का आधार कार्ड मैंने देखा, तो वहाँ पे मैंने देखा 18 साल इनके नहीं हुए हैं और इनको लेके कैसे चले आए। तो फिर जब इन बच्चियों से मैंने पूछा कि बेटा आप कौन से क्लास में पढ़ते हो, तो एक ने बताया कि मैं 10th में पढ़ाई कर रही हूँ और एक ने बताया कि अभी 9th में, वो 8th क्लास पास करके 9th में गई थी। तो फिर मैंने बोला अगर ऐसी बात है आप तो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे थे, फिर आप यहाँ पे कैसे आ गए। नहीं, किसी ने मुझे हमें लेके आए, कोई नाम बताते संगीता करके और संदीप जी करके कोई किसी का नाम बताया, तो उनके माध्यम से आए। बोले ठीक है, तो आप मुझे एक काम करो, वहाँ पे जो नीतीश जी थे वहाँ पे पूरा इंचार्ज थे वहाँ पे जैसलपीएस के दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना सेंटर में, तो नीतीश जी से मेरी बात हुई। मैंने कहा कि आप प्लीज़ मुझे फाइल दिखा दीजिए। तो उनका कहना था कि नहीं पेरेंट्स से पूछ के आए हैं, वो तब तक मुझे यही कह रहे थे कि पेरेंट्स से पूछे हैं। मैं तब भी मैं मान रही थी चलो ठीक है पेरेंट्स से अगर से पूछ रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि और भी बच्चियों ने आके कहा कि नहीं उसकी पेरेंट्स ने छोड़ने आया था और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। मतलब बहुत अच्छी बात है, अगर पेरेंट्स छोड़ने आए तो फिर ढूंढते क्यों। खैर, तो इसलिए हमने फाइल देखा। तब हमने फाइल जब देखा तो आपके सामने मैं फाइल के कुछ स्कैन हमने लिए थे, स्कैन किए थे। इन फाइलों में जो ये जो रीता कुमारी है, रीता कुमारी परहिया, वो आदिम जनजाति परिवार से आती है। उनके पिताजी जो हैं वो अंगूठा करते हैं, मतलब सिग्नेचर नहीं करते, तो उन्हें सिग्नेचर करना आता ही नहीं है। तो फिर हमने जब फाइल को पहले ही चेक किया तो वहाँ पे देखा कि पेरेंट्स का कंसर्न ही नहीं है, वहाँ पे सिग्नेचर नहीं है, वहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं है। वहाँ पे एक जो फॉर्म देखा, पहला फॉर्म आपको दिखाऊं, उसके बाद और एक फॉर्म जब मैं देखती हूँ जहाँ पे पेरेंट्स का कंसर्न की बात होती है, तो वहाँ पे पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ, नाम के तहत वहाँ पे सिग्नेचर है। तो तभी रीता भी मेरे पास बैठी हुई थी, तो वो फटाक से देख के कहती नहीं ये मेरे पापा का सिग्नेचर तो है नहीं, क्योंकि मेरे पापा तो अंगूठा देते हैं। तभी मैंने भी रीता को देखा और फिर बहुत शॉकिंग हुई कि ऐसे कैसे वो बच्चियों तक को नहीं पता कि उनके नाम पे इतने सारे फाइल्स बनाए गए हैं। बच्चियों को भी नहीं पता था, जब मैं फाइल चेक कर रही थी इनको नहीं पता। फिर उसके बाद जब हम लोग देखते गए तो फिर वहाँ पे मैंने देखा कि टीसी है। तो टीसी के बारे में जब बात हुई तो मैंने उसका स्कैन किया, इनको मैंने पूछा कि आप लोगों ने टीसी दिया था, नहीं टीसी तो हमने नहीं दिया। तो फिर टीसी आया कहाँ से, जब स्टूडेंट्स ने ये लोग टीसी दिया ही नहीं तो फिर उस फाइलों में टीसी आया कहाँ से, तो वो बहुत बड़ा सवाल हो गया। तो फिर हम लोगों ने उसको बहुत बारीकी से पढ़ा, तो वहाँ क्या देखते हैं, बच्चे तो मनिका में रहते हैं, मनिका प्रखंड में रहते हैं, तो वहाँ पे बालूमत करके वो स्कूल का टीसी बना हुआ है। तो वो हमें पता चला कि ये पूरा का पूरा फर्जी
फाइल बना हुआ है। और उसके बाद हम लोग एक ही चीज़, मुझे FIR करने के लिए जाना था, लेकिन बच्चियाँ रोना धोना शुरू कर दी कि नहीं आप लोग अगर हमें छोड़ के जाओगे तो हम सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं में से एक बच्ची भाग गई है वहाँ से, क्योंकि इनको डर था कि अगर हम लोग का 3 महीना ट्रेनिंग हो जाएगा तो हमें त्रिपुरा भेज देंगे, और त्रिपुरा में हम नहीं जानते कि हमें कहाँ भेज देंगे, क्या करेंगे। तो लेके तो इसके मम्मी को वो फोर्स, क्योंकि मैं तो बाहर निकल आई थी, तो वो मम्मी को बिल्कुल हाथ से ऐसे जकड़ के खड़ी थी कि मम्मी मुझे लेके जाओ। तो फिर हम लोगों ने कहा ठीक है, आप इनका एप्लीकेशन, हम लोगों ने आवेदन बनाया वहाँ पे, मैंने और अर्पणा ने, और आवेदन बना के दोनों बच्चियों को, हमारे साथ ग्राम प्रधान भी है, सबसे बड़ी भूमिका उनकी है कि वो गांव से, ग्राम सभा में बैठक हुई, इन बच्चों के माओं ने कंप्लेन किया और वो ग्राम सभा ग्राम प्रधान ही उनको लेके आए यहाँ पर। और 3 दिनों से उनके माँ, उनकी माँ, एक माँ जो है रीता की माँ की तबीयत ख़राब हो गई, आप देख ही रहे हो। और दुख की बात यह है कि वो अपने घर से एक संघर्ष करने के लिए आए कि हम रोटी लेके जाएंगे और हम अपने बच्चे को ढूंढेंगे, अगर खाना नहीं भी मिलेगा तो कहीं भी बैठ के वो रोटी खा लेंगे। आज उनका रोटी ख़राब हो गया, तो वो कह रहे हैं कि रोटी ख़राब हो गया आज, 2 दिन से वो रोटी खा रहे थे। मतलब सोच सकते हैं कि जो माएँ होती हैं अपने बच्चे को ढूंढने के लिए कैसे आ रही हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। और सरकार क्या कर रही है इसके बदले, जहाँ पर सरकार लड़कियों के लिए सुरक्षा की बात कह रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कह रही है, उनको प्रोटेक्शन की बात कर रही है, उनकी जीविका आजीविका की बात कर रही है, वहाँ पे कहा उनकी किस तरह का आजीविका कि आप उसके फॉल्स बना रहे हैं, फाइल्स बना रहे हैं। आज इतना परेशान है कि उनकी माओं को घर से रोटी सत्तू वो खोज के लेके आ रहे हैं कि हम कहीं भी पेड़ के नीचे रह जाएंगे और अपनी बच्चियों को ढूंढेंगे। मतलब आप अपने उनके पेरेंट्स को भी नहीं बताते हैं, ये कहाँ का लीगल है, ये कहाँ का प्रोसेस है, ये कहाँ का रिक्वायरमेंट है, कौन सा गाइडलाइन में कहा गया है कि आप अपनी माँ से, अपने माँ बाप को बिना बोल के आ जाओ और सरकारी संस्था उसको ले ले। सबसे बड़ी दुख की बात वो है। अब उसके खैर, जब ये सब सारे फाइलें हो गई है, सारी बातें हो गई है, तो हम लोग जब इसको रेस्क्यू करके लेके आए, फाइल्स ऐसे हैं, तो दूसरे दिन फिर चाइल्ड लाइन, आई मीन CWC के माध्यम से, कल ही की बात कहूँ तो, काफ़ी हमारी अर्पणा जी ने बताया कि कैसे कितने लेट हो रहे थे, कितने डिले किए जा रहे थे, क्योंकि कल भी इनको जाना था। और फिर शाम को जब वहाँ से कोतवाली थाना से मैडम दुर्गा मैडम को भेजा गया था, पुलिस को भेजा गया था, फिर हम लोग भी गए थे कि देखते हैं कि रेस्क्यू में कितने बच्चे और हैं, तो वो उनको ले आए। तो जब वहाँ पे गए थे तो 1:30 बजे वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बताया गया कि रेस्क्यू हो, बच्चे के पेरेंट्स आए और ले गए। कुछ वहाँ पे टीचर्स लोग थी जो पढ़ाती है, ट्रेनिंग देती, उनके उन्होंने कहा कि बच्चों को ले गया। मैं बोली अच्छी बात है, आप मुझे रजिस्टर शो कर दीजिए कि रजिस्टर में कहाँ का सिग्नेचर, उनके पेरेंट्स आए थे, कल ही हमने 2 बच्चों को रेस्क्यू किया और आज 6 बच्चों के माँ बाप आके लेके चले गए, तो आप मुझे दिखाई, तो रजिस्टर में कहीं उनके माँ बाप का नहीं था। तो उसके बाद उनके इंचार्ज बोलते हैं कि नहीं 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 मैडम, वो ना हम लोगों ने भेज दिया किसी के माध्यम से। मैंने किसके माध्यम से भेज दिया, कोई महिला फीमेल होगी, प्रोटेक्शन में आपने 1:30 बजे भेजा है, लातेहार इतना दूर है, रात हो जाएगा, छोटी बच्चियाँ हैं, आपने किसके सिक्योरिटी पर भेजा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भेजा। तो उनका कहना है कि किसी अमित नाम के लोगों, किसी भी, आप लड़कियाँ हैं तो आप फीमेल के साथ भेजो ना, एक जिम्मेवार लोगों के साथ। आप, वो लड़कियां फीमेल है और आप कह रहे हैं कि उनको हमने 1:30 बजे भेज दिया, वो रात को 8 बजे पहुंचेंगी। उनका कहना था कि नहीं 4 बजे तक, 4 घंटे में पहुंच जाएगी, 4 घंटे में जंगल झाड़ है, लातेहार का इलाका जानते हैं लोग, और आपने भेज दिया। फिर हमने लातेहार गाँव में पता किया तो रात को 10 बजे लगभग किसी ने बाइक से बच्चों को घर पर छोड़ा। तो बताइए क्या है हमारी महिलाओं की सिक्योरिटी, लड़की बच्चियों की सिक्योरिटी। अब आपको और भी बात कहूँ कि झारखंड सरकार में या तो फिर पूरे भारत सरकार में ये चीज़ है कि जहाँ भी JSLPS चल रहे होंगे, लेकिन झारखंड में जो JSLPS चल रहा है यहाँ पे स्पेशली महिलाओं के अच्छा सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर एक ब्लॉक में JSLPS की टीम बनी हुई है, वहाँ पे BPM है, वहाँ पे कई सारे और भी पदाधिकारी रखे गए हैं जिनके माध्यम से SHG ग्रुप को अच्छा ये किया जा रहा है, मतलब अच्छा उन लोग को सशक्तिकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। तो जब इतना जागरूक किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, तो आप जो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो अपने राज्य में क्यों नहीं दे रहे हैं? आप काम कराने के लिए, आप मेरे राज्य से आप काम करा रहे हो और आप दूसरे राज्य में उसको काम करने के लिए भेज रहे हो। आप मेरे राज्य में ट्रेनिंग दोगे तो मेरे ही राज्य में जिले में वो फैक्ट्री खोलने चाहिए ना, सिलाई मशीन के हो या कंप्यूटर के हो, आप मेरे राज्य के लोग वहाँ क्यों जाएंगे? हमारा डिमांड यही है कि इस तरह के जो इसको हम माइग्रेशन कैसे कहें, क्या कहें, ये तो एक जो ये घटना घटी है ये हम ट्रैफिकिंग ही कहेंगे, क्योंकि बिना परिवार को बताए, बिना परिवार को जाने समझे ये बच्चे आ गए थे। और ये जो पूरा जो चल रहा है, जितने भी जगह पे बच्चियों को लाया जा रहा है, वहाँ सभी जगह में जाँच हो,
बच्चों के जांच हो, बच्चों के एज को लेके, बच्चों के एजुकेशन को लेके, और ये जो जितनी भी संगठन में ऐसे अगर कहीं पर भी गड़बड़ियां पाई जा रही तो ऐसे संगठन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए, और इनको तो मतलब जो बच्चियां हैं उनके भविष्य के लिए आगे देखा जाना चाहिए। और झारखंड सरकार से कहूँगी कि अपने बच्चों को अगर झारखंड में आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो झारखंड में ही रोज़गार दें, उन्हें बाहर काम करने के लिए ना भेजा जाए। आइए इन बच्चियों से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि कैसे इनको छुड़ाया गया, कैसे वहाँ तक आप पहुँची थी और कैसे वहाँ से यहाँ वापस आई हैं। मेरा गांव की एक तो ललिता नाम करके लड़की थी, वही हम लोग के लाए थी मनिका तक, और रांची के संदीप सर थे वो मनिका पे थे, उसके बाद गाड़ी बुक करके यहाँ पर रांची पर लेते आए सर, उसके बाद हम लोग के लेना जाना था वो देख का बोलते हैं त्रिपुरी लेना था, उसके बाद हम लोग बोले कि पैसा मांग रहे थे लीलावती से, तो लीलावती बोले कि त्रिपुरा जाने के बाद पैसा मिलेगा, तो हम लोग भैया पास कॉल किए, उसके बाद भैया बोला भैया कि भैया तुम कहाँ हो, तो हम बोले कि रांची में है, तो बोला क्या चीज़ करती है, हम बोलते हैं सिलाई सीखते हैं, तो फिर भैया ने बोला मम्मी सबका, मम्मी सब ग्राम सभा में 25 तारीख के रोज दिन ग्राम सभा करते हैं गाँव में, उसके बाद मम्मी सब खोजने लगे, उसके बाद प्रधान से गांव के प्रधान है उसी के साथ ग्राम सभा लातेहार में भी होता है ट्रेनिंग, वहां पे आए उसके बाद कॉल करते मेरा सेंटर में पहुंच गए मम्मी सब लेने, उसके बाद वहां जाके बात किए, उसके बाद मम्मी सब छोड़ा के लेते आए हैं हम लोग का। तो आपने देखा कि कैसे इन बच्चियों का रेस्क्यू किया गया। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।